अस्सलाम वालेकुम गाइस, सिमेंटिक वेब सॉल्यूशन की जानिब से मैं महबूब और हमारी ग्राफिक सी प्लस प्लस की सीरीज़ स्टार्ट है, जिसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था लेक्चर 12 और फर्स्ट पार्ट में कि कैसे हम टाइम को पिक करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए एक डिजिटल क्लॉक बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा प्रीवियस कोड था जिससे हमने टाइम को पिक किया था। इसमें हम ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे। उसके लिए हमें दो रेक्टेंगल की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं। मैं फर्स्ट रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ, उसके मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देता हूँ। 200 मैंने उसका लेफ्ट दिया, 200 मैंने उसका टॉप दिया, 350 उसकी मैं राइट देता हूँ और 250 उसका मैं बॉटम देता हूँ। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगी। उसके बाद हमें एक और रेक्टेंगल की ज़रूरत है, सो उस रेक्टेंगल के लिए मैं एक बार फिर रेक्टेंगल फंक्शन को कॉल करूँगा, उसमें पैरामीटर दूँगा। सबसे पहला पैरामीटर लेफ्ट, ये भी 200 देता हूँ। उसके बाद टॉप 300 देता हूँ, लेफ्ट राइट इसका मैं 350 और बॉटम भी 350। मैं इसको रन करता हूँ तो हमें दो रेक्टेंगल मिल चुकी हैं। अब इनको फिल करना है। फिल करने के लिए जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि सेट फिल स्टाइल हमारा फंक्शन जो यूज़ होता है किसी भी रेक्टेंगल को फिल करने के लिए। सो सेट फिल स्टाइल में आप देते हैं कि किस किस्म का होना चाहिए। मैं दे रहा हूँ सॉलिड फिल। मुझे फ़िलहाल सॉलिड फिल की ज़रूरत है कि हमारी जो रेक्टेंगल्स हैं वो सॉलिड फिल हों। उसके बाद उसमें मैं कलर लाइट से अन देना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने 11 यूज़ किया। सेकेंड फंक्शन था फ्लड फिल। फ्लड फिल के ज़रिए ही हम रेक्टेंगल को फिल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट रेक्टेंगल को फिल करने के लिए मैं उसकी लेफ्ट से एक प्लस करूँगा, जो उसकी लेफ्ट थी उसमें एक प्लस करूँगा, मीन्स कि वो 200 थी, मैं 201 दे रहा हूँ। उसके बाद मैं उसकी बॉटम दूंगा, बॉटम क्या थी 250, सो उसमें मैं एक ऐड एक माइनस कर दूंगा तो 249। और उसमें मैं कलर कौन सा करना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हर बार यहाँ पे वाइट होगा। इसको मैं रन करूँगा तो हमारी एक रेक्टेंगल फिल हो चुकी है। अब दूसरी रेक्टेंगल को फिल करने के लिए भी मैं यही फ्लड फिल यूज़ करूँगा। फ्लड फिल फंक्शन यूज़ किया, उसमें मैंने इसका दूसरी का मैंने दिया 249। ये देखें 340 इसका पे सबसे पहले मैं दूंगा लेफ़्ट, क्योंकि ऊपर वाले का भी मैंने ये दिया था टॉप। अगर मैं इसका भी टॉप दूंगा तो ये मर्ज कर देगा और हमारी जो रेक्टेंगल उसको सही से फिल नहीं करेगा। सो इसके लिए मैंने इसका 349 दिया है। इसका मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ और बॉटम तक इसको फिल, इसको मैंने लेफ़्ट से स्टार्ट किया और बॉटम तक फिल किया, इसको मैं राइट से स्टार्ट करके बॉटम तक फिल करूँगा। इससे हमारा प्रोग्राम मोर एफिशिएंट होगा। सो इसके लिए 349 ही दूंगा बॉटम और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाइट। अब इसको रन करूँगा तो हमें दोनों रेक्टेंगल फिल शो होंगी। सो अब इनमें हम टाइम को लिखते हैं। सो उसके लिए गो टू एक्स वाई स्टेटमेंट हमारे लिए लाजमी है। पिछली वीडियो में हमने जैसा देखा गो टू एक्स वाई, वहाँ पे मैं गो टू एक्स वाई मैं इसकी देता हूँ 27। 27 काफ़ी पीछे है, मैं इसके लिए 30 देता हूँ, 30 और बॉटम मैं देता हूँ इसके लिए वाई एक्सिस मीन वाई एक्सिस मैं इसके लिए 15 देता हूँ। सो इस जगह पे जाके हमें क्या शो हो, सी आउट हमें हो जो हमने टाइम लिया है। टाइम मैंने टाइम के लिए हॉर्स एच, उसमें थोड़ा सा एफिशिएंट करने के लिए मैं डॉट कॉलन लगा रहा हूँ। हॉर के बाद मैंने मिनट्स दिए थे, जो पिछली में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वही है प्रोग्राम, पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। और इसमें सेकंड्स। अब इसको मैं रन करता हूँ, जी सी आउट सेमी कॉलन लगाया हमने, सेमी कॉलन लगाना लाजमी था। इसको रन किया तो हमें टाइम मिल चुका है। सो
अब हमने डेट को शो करवाना है, तो गो टू एक्स वाई, इसके लिए मैं वाई एक्स एक्स एक्सिस 31 ही दूंगा और वाई एक्सिस को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। सो इसमें भी वही सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए मैं ईयर्स को मीन्स के डेट को शो करवाऊंगा। तो डेट में सबसे पहले हमने डी वेरिएबल लिया था, डी वेरिएबल हमारा डेट को शो करवाएगा, डे कौन सा है। उसके बाद मंथ वेरिएबल हमने एमओ लिया था जो हमारे मंथ को शो करवाएगा कोलन। और बाद में हमारा जो डी हमने लिया था डे मंथ और ईयर के लिए हमने वाई लिया था। सो इसको रन करूँगा तो हमें डेट के साथ साथ मंथ टाइम के साथ साथ डेट भी हमें मिल चुकी है। अब मैं इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ टाइम को, टाइम की एक्स एक्सिस को इंक्रीज़ कर देता हूँ 31। इसके बाद हमें ज़रूरत है कि ऊपर लिखा हो कि मीन्स कि आपकी डिजिटल क्लॉक है, उसके लिए मैं सेट कलर करूँगा। सबसे पहले सेट कलर मैंने यूज़ किया, वो किस शेप का किस कलर का हो उसके लिए मैंने लाइट सीन दिया। उसके बाद मैं आउट टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करूँगा, आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन यूज़ किया, और 100 और 100 पे जाके मैं शो करवाना चाहता हूँ डिजिटल क्लॉक। उसके लिए डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक, और उस ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। सो इसको मैं रन करता हूँ और हमारी आउटपुट हमें मिल जाएगी जैसा कि हमने अपने टास्क में देखा था। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम टाइम को पिक करते हैं, और इस वीडियो में हमने ग्राफिक्स के ज़रिए उसको यूज़ करते हुए ग्राफिक्स यूज़ करते हुए एक पूरी डिजिटल क्लॉक बनाई। आप कोडिंग के ज़रिए इस क्लॉक को आप बिल्कुल आप लूप इस्तेमाल करके इसका टाइम आप कंटिन्यूस जारी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो कि सिमेंटिक वेब सॉल्यूशन की जानिब से है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।